वाली पॉप कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। महिला आरक्षण बिल में अति पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा तय करने की मांग राजद की ओर से लगातार की जा रही है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी ट्वीट कर इसकी मांग की थी। अब लालू यादव के करीबी राजद नेता ने इसको लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया है। उन्होंने महिलाओं की तुलना वर्ग से ना करके लिपस्टिक से की है। आरक्षण को लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि आरक्षण देना है तो पिछड़ी जाति की महिलाओं को दो, वरना महिला के नाम पर बॉब कट और लिपस्टिक वाली नौकरी में आ जाएंगी, तब आपकी महिलाओं को कुछ मिलेगा क्या। मुजफ्फरपुर में राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी दौरान राजद के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लोगों को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब कट वाली आ जाएंगी, यदि देना है तो पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाओं को आरक्षण दे, अत्यंत पिछड़ा का कोटा तय कर दीजिए, वरना महिला के नाम पर बॉब कट और लिपस्टिक वाली नौकरी में आ जाएंगी तो पिछले समाज की महिला को हक और इज्जत मिलेगा क्या। इसलिए हम तो कहेंगे कि अभी आप जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, बाद में बिहार का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का एक वर्कशॉप तैयार कीजिए और वहां अलग अलग विषय पर चर्चा कीजिए। इसको लेकर सभी से 500 रुपए मैक्सिमम और मिनिमम 200 रुपए इकट्ठा कीजिए और इस चर्चा को गांव गांव तक पहुंचाइए। हम तो कहेंगे अरविंद जी को कि अभी आप ये अपना सम्मेलन कर दें, अब बाद में ज्यादा नहीं 200 ना तो मैक्सिमम 500 बिहार का अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ का चुनिंदा लोगों का एक वर्कशॉप, और उस वर्कशॉप में डिफरेंट विषय पर परिचर्चा हो और उसको गांव तक पहुंचाएगा। इस दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने कार्यकर्ताओं को टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहने की कसम खिलवाई। अब्दुल ने कहा कि अपना दिमाग लगाएं, टीवी और सोशल मीडिया न्यूज देखिएगा और उसके चक्कर में पड़िएगा तो ना ही आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और ना ही राजपाट बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे टीवी वाले भाई जो आते हैं उनकी भी मजबूरी होती है, उनकी नौकरी का सवाल है, इसलिए वो लोग वही कहते हैं जो उनका मालिक यानी कि पीएम मोदी कहते हैं। इसलिए जितने भी समाजवादी हैं वो कसम खाएं कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक टीवी का बहिष्कार करेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।